आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर का और अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने समय दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचनों को बांट पाने पाए। मेरे अजीजों, आपके लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है गलातियों 3:13, गुड न्यूज आपके लिए ये है, मसीह जो हमारे लिए शरापित बना उसने हमें मोल ले लिया ताकि व्यवस्थता के शराब से हम छुड़ाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुद हमारे लिए शरापित बन गया। अब खुशी की गुड न्यूज है कि नहीं, ये खुशी की बात है कि नहीं? कहां आप लोगों के जीवन में शराब कार्य करता था, पर परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए शरापित हो गया और उसने हमें मोल ले लिया और व्यवस्थता के शरापी से हमें छुटकारा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसने हमें खरीद लिया। जब हम किसी चीज को खरीद लेते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ खरीदने वाले का ही अधिकार होता है। यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमें खरीद लिया है, हमारी आत्मा को खरीद लिया है। अब हमारे ऊपर श्राप का अधिकार नहीं है, परंतु अब हमारे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह का अधिकार है। अब निराश मत होइए कि कहीं आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप मुसीबतों में पड़े हैं, आप बीमारियों में जकड़े हैं, निराश मत होइए। यशाया 61:1 परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि खेदित मन वालों को शांति दे। जब आप आंसू बहाते हैं अकेले में तो प्रभु की नजर आपके ऊपर है। वो जीवता परमेश्वर आपको देख रहे हैं। अब कब कब आप गिड़गड़ाए परमेश्वर के सामने, कब कब आप परमेश्वर के सामने रोए, कब कब आप परमेश्वर के सामने दुखी हुए, पर परमेश्वर आज आप लोगों से कहता है उदास मत होइए, खेदित मत होइए, वो अपनी सच्ची शांति से आज आपको भर देगा। मैं इसलिए आया कि बंदियों को आजाद करूं और कैदियों को छुटकारा दूं। जब आप सोचते हैं कि मैं बंधा हुआ हूं, बंदी हूं, किसी ने मुझे गुलाम बना रखा है, जब आप सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं करना चाहता पर फिर भी आप वो काम करते हैं, मेरे अजीजों, आप कहीं ना कहीं किसी के गुलाम हैं, कहीं ना कहीं आप बंदवाई के अंदर हैं। परमेश्वर यूं कहते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि बंदवाइयों का उद्धार हो सके, बंदवाइयों से छुटकारा मिल सके, ताकि आप कैदियों की जो कैदी लोग हैं वो छुटकारे को प्राप्त करें और कैदी लोग आजाद हो सके। आज बंधवाई में रखने का समय नहीं है, बंधवाई में रहने का समय नहीं है, बल्कि ये आज़ादी की रात है आज आपके लिए। परमेश्वर आज आपकी आज़ाद करना चाहता है। परमेश्वर आज आपके हर एक शराब को तोड़ देना चाहता है ताकि आप उसमें उन्नति कर सके, ताकि आज परमेश्वर की आजादी को आप आनंद के साथ मना सकें। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं तो सचमुच परमेश्वर हमें जीवन का दान देता है। बिना वचन के हमारा आत्मा बिल्कुल मुरझा जाता है, बिल्कुल हमारी आत्मिक उन्नति खत्म हो जाती है। जैसे शरीर के लिए रोटी जरूरी है, वैसे ही वचन के लिए, आत्मा के लिए वचन बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जो कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है, इसलिए वचन को ध्यान से सुने ताकि वो जीवन आज आप लोगों की जिंदगियों के अंदर उतर आए और वो जीवन आज आपके ऊपर बहतात के साथ बहने पाए। हालेलुया। यीशु आज आपके जीवन से शराब खत्म करने के लिए आए, आपके घरों से। कई लोग सोचते हैं कि ये शराब हैं जो हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी से बने हुए हैं, ये शराब है जो हमारे पुराने बुजुर्गों की तरफ से आ रहे हैं, जो पुराने बुजुर्गों का, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर हमारे पुराने बुजुर्गों का शराब है।
परमेश्वर यहां पर आज उपस्थित है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अनुग्रह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ ताकि आज आपके शरापों को तोड़ दे, ताकि आज आपको आजाद कर दे, ताकि आज आज आपका उद्धार हो सके। आमीन। आज आप ऐसे नहीं घर से लगे, भले ही हम कम हैं, पर चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। वो आजादी देने वाला परमेश्वर वो हमारे बीच में है। जो कैदियों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर वो आज हमारे बीच में है। वो आज आपको बंधवाई नहीं बल्कि आज आपको आजादी याद करके भेजेगा यहाँ से। प्रेज द लॉर्ड। जकरिया 8:13 परमेश्वर का वचन 8:13 में, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शराब के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच में शरापित ठहरे थे, लोग तुम्हें शरापित कहते थे, जब तुम्हारे ऊपर शराब पे शराब पड़ रहा था, लोगों के बीच में लोग तुझमें कहते थे कि तुम शरापित हो, उन्हीं लोगों के बीच में उसी प्रकार कह रहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम्हें आशीषमय कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी शरापों को तोड़ दूंगा और मैं तुझे आशीषमय कर दूंगा, और उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर आपको गवाह ठहराएगा। जो लोग कहते थे इनके कारण हम शरापित हो गए, ये शरापित लोग हैं, उन्हीं को कारण परमेश्वर उन लोगों को आशीषमय ठहरा देगा। परमेश्वर हमारा कितना महान है जो हमारे शराब को आशीष में बदल देता है। जैसे गोरा होता है उसके अंगेंस्ट में उसके उलट काला होता है, जैसे पढ़ा लिखा होता है उसके उलट अनपढ़ होता है, और जैसे निराशा होती है उसके उलट खुशी होती है, वैसे ही शराब होता है और शराब के उलट आशीष होती है, और वही आशीष परमेश्वर आज आपके जीवन में देना चाहता है। व्यवस्था विवरण 23:5, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त आपको आशीष में बदल दिया। सचमुच हम इसी वचन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, जिस जिस हिस्से के अंदर शराप होता है हमारे जीवन के अंदर, उसी हिस्से को परमेश्वर आशीषमय कर देता है। जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हो जाते हैं वहीं परमेश्वर बलवंत कर देता है। जहाँ जहाँ हमारा पैसा फंसा हुआ होता था वहीं से परमेश्वर उसको इकट्ठा करवाने की सामर्थ रखता है। वही पैसा जिसका आप कमाते थे आपको पता नहीं चलता था, पर जब आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध हो गया, जब आप परमेश्वर के चरणों में आकर बैठ गए कि परमेश्वर आज मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊँगा, आज मैं तुझसे आशीष लेके जाऊंगा, तो सचमुच परमेश्वर अपने लोगों के शरापों को आजाद कर देता है और उन्हें आशीष देता है। कोई आपको शराब 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 देते जा रहा है, यदि आपके जीवन में 100 शराब हैं तो आप भूलिए मत, प्रभु यीशु ने आपके लिए 101 आशीष रखी है। परमेश्वर उन सारे शराबों को 101 आशीषों में बदल देने की रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो बड़े ध्यान से हमें वचन को सुनना है। कोई ऐसा वचन हो सकता है जो आपके जीवन को बदल दे, कोई ऐसा वचन आज आपसे बातचीत कर रहा है जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बार एक कोड़ी था, वो जंगल में रहता था और कोई भी उसके पास नहीं था, वो अकेला रहता था क्योंकि कोड़ी जो व्यक्ति होता है उसके पास कोई भी नहीं आता। वो अपनी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा दुखी था,
तो उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो कोड़ी था और उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसके दर्द होने लग गया और धीरे धीरे कोड़ के कारण भी उसके शरीर के अंदर और भी ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम आने लगी, स्किन चमड़ी का रोग उसको लग गया। और जब रोग लग गया तो उसके पूरी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े फोड़े हो गए, पस भरने लग गए उसके शरीर पर। और जब लोगों ने देखा, जब लोगों ने उनको देखा तो लोग कहने लगे इसके ऊपर तो शराब है, पहले इसके ऊपर कोड़ की बीमारी थी, अब इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, अब इसकी देह के ऊपर, इसके शरीर के ऊपर बड़े बड़े फोड़े निकल रहे हैं, पस पड़ गई है, कीड़े पड़ गए हैं। एक बार क्या हुआ, वो व्यक्ति को एक परमेश्वर के दास मिले और परमेश्वर के दास ने उसको प्रभु के वचन के बारे में बताया और उस बच्चे ने बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को जब ग्रहण किया तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसने पश्चाताप किया और रोया और चिल्लाया, लगातार वो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा और धीरे धीरे वो चंगा होने लग गया। उसका जो शराब था वो आशीष में बदल गया और उसकी हार्ट की समस्या खत्म हो गई और वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह हो गया और परमेश्वर ने उसकी त्वचा को नया कर दिया। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर किसी भी समय काम कर सकता है।